नमस्कार नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कॉम्प्लेक्स आयंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे पहले मैं आपको पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम किसे कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं हम। ए कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन इन विच द मेटल आयन इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड ए डेफिनेट नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडेड इट। द कॉम्प्लेक्स आयन इज इनक्लोज्ड इन ए लार्ज नंबर इनक्लोज्ड इन ए लार्ज ब्रैकेट। क्या कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, जिसमें मेटल आयन एक डेफिनेट नंबर ऑफ लिगेंड से क्या होता है सराउंडेड रहता है। ये बात मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एक्सप्लेन करने का ले, जैसे हमने लिया एन आई सी यू का होल फोर लिया हमने, ठीक है, एन आई सी यू का होल फोर लिया, एन आई एन एस थ्री का होल फोर लिया, एन आई एन एस थ्री का होल फोर टू प्लस लिया। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिस इज द सेंटर मेटल, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर मेटल कहते हैं, और दिस इज द लिगेंड, ये हमारा क्या कहलाता है आपका लिगेंड। ब्रैकेट के बाहर सेंटर मेटल के बाद जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, लिगेंड के नाम से जानेंगे। तो भाई आज बात आ रही कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये मॉलिक्यूल्स आपका प्रेजेंट है ये, दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स आयन, इसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स आयन। एंड कॉम्प्लेक्स आयन इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू कंपोनेंट, वन इज द सेंटर मेटल, तो दैट इज द सेंटर मेटल एंड दिस इज द लिगेंड, दिस इज द सेंटर मेटल दिस इज द लिगेंड, इसको हम क्या कहेंगे सेंटर मेटल, इसको कहेंगे लिगेंड। एंड दिस इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स, वो किससे सराउंडेड रहेगा, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड, जैसे कि ये कितने लिगेंड से सराउंडेड है, फोर लिगेंड से सराउंडेड है, ये भी कितने लिगेंड से सराउंडेड है, फोर लिगेंड से सराउंडेड है। तो इस तरह से बने हुए कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जाने जाते हैं, हमारे क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स आयन, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम आयन इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू इट इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटर मेटल से जितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं उनको हम उसका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज कही जाती है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है सेंटर मेटल सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड एंड दोस लिगेंड विच कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंटर मेटल साइड, दैट द नंबर ऑफ लिगेंड कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंटर मेटल साइड दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि अगर कोई सेंटर मेटल की तरफ को जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो ही इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर मे बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इवन हायर इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड नेचर ऑफ द मेटल आयन एंड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर किस पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ द मेटल आयन और लिगेंड, मेटल आयन और लिगेंड पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने एक लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रखी है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड एक्टिनाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है बोला। तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट जो होता है इनका सेंटर मेटल क्या होगा, लैंथेनाइड्स का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट और एक्टिनाइड्स का मतलब क्या होगा, ए ब्लॉक एलिमेंट। तो इनके सेंटर मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, हायर होती है, कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं, और एक्टिनाइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो दैट मीन्स मैंने आपको बोला लिगेंड का मतलब ये होगा सेंटर मेटल, उसके सराउंडेड जो भी प्रेजेंट होते हैं सब क्या कहते हैं लिगेंड। तो सेंटर मेटल हमेशा वीकेंड होता है, सेंटर वैकेंट हमेशा क्या होगा, वीकेंट होगा, और इस वीकेंट की तरफ को इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर देगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, लिगेंड, उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो सेंटर वैकेंट को जो इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो सेंटर वैकेंट सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसे कि हम लिगेंड को इसके अलावा कई और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज मेटल एटम्स हो तो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना मेटल एटम जितना हायर एटम नंबर वाला होगा उतना ही क्या होगा, हायर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती है। बल्कि लिगेंड रिड्यूस द कोऑर्डिनेशन नंबर, बल्कि लिगेंड जो होता है हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बल्कि लिगेंड होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, बल्कि लिगेंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होता है, लेस होता है। लुईस बेस इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द
मेटल एंड मेटल्स विद द लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये बात नवनी केमिस्ट्री के में पहले से बहुत बार डिस्कस हो चुकी है कि लुईस एसिड और लुईस बेस किसे कहते हैं, लुईस एसिड व्हिच हैविंग अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस यहां पर सेंटर मेटल का बिहेवियर किसकी तरह होगा, लुईस एसिड की तरह होता होगा। एंड द स्पीशीज व्हिच कैन बी डोनर द इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द लुईस बेस। सो दैट मींस लिगेंड एक्ट एज अ लुईस बेस। लिगेंड किस तरह काम करता है हमारा केमिस्ट्री में, लुईस बेस की तरह काम करता है। यही मैंने बात बोली गई है यहां पर, लुईस बेस इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इजीली डोनेट करते हैं टुवर्ड द मेटल साइड, मेटल की तरफ को। तो दैट मींस जो डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस हो गया, और जो मेटल एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड के नाम से एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड और लुईस बेस डिफाइन करके बाद हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। जैसे कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, लेकिन आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड। तो सपोज हमारे पास सामने कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेके चलते हैं सी यू एन एस पी का होल को, जैसे हम लेके चलते हैं सी यू एन एस पी का होल को 2+, ये चल रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा सेंटर मेटल। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर सेंटर मेटल, तो ये तो क्लियर होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो पहला एलिमेंट होगा वो सेंटर मेटल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, ये इसका मतलब ये है कि सी यू सराउंडेड बाय 4 NH3, 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3। सी यू किससे सराउंडेड है, 4 NH3 से सराउंडेड है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को सेंटर मेटल की तरफ को डोनेट करेंगे। कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन करेगा। तो नाइट्रोजन इज द डोनर साइड, दिस इज द नाइट्रोजन इज द डोनर साइड, दिस इज द नाइट्रोजन इज द डोनर साइड, एंड दिस इज द नाइट्रोजन इज द डोनर साइड। इस CU में 4 NH3 है और 4 को 4 डोनर साइड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर यही चीज 6 होती तो 4 6 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनर होता तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता, 6 हो जाता। कहने का मतलब है जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाएगा, ठीक। ये पहचान करने के एग्जाम में आती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसकी ज्योमेट्री में हल्का सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट कि अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो डी इलेक्ट्रॉन रिच मेटल लाइक कॉपर, जिसका जिसके अंदर एग्जाम्पल हो सकता है कॉपर और सिल्वर का, तो सिल्वर NH3 का होल 2 और कॉपर NH3 का होल 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, 2। लास्ट लिगेंड कोई भी लार्ज लिगेंड हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, लीनियर। अब कोऑर्डिनेशन 2 में स्ट्रक्चर लीनियर कैसे होता है, आपको इसके लिए BSCPRT थ्योरी या हाइब्रिडेशन को याद रखना पड़ेगा, अपने माइंड में साइड रखना पड़ेगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने जब पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन 2 में ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है, ठीक। कोऑर्डिनेशन 4 की तरफ चलेंगे, कोऑर्डिनेशन 4 का मतलब हो गया, उसके अंदर ये एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें सेंटर मेटल निकल होगा, रोडियम होगा, इरिडियम होगा, प्लेटिनम होगा, पैलेडियम होगा और गोल्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4, ये तो मैं बहुत देर से आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। NH3 का होल 4 यानी कि CU से 4 NH3 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे कॉपर की तरफ को। सेम है जिंक, जिंक भी सराउंडेड बाय 4 Cn, तो 4 Cn क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा जिंक की तरफ को, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 में 2 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, यू नो दैट, दैट इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड सेकंड वन इज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसे हम उसको ऐसे कहते थे, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारी क्या होती है, पॉसिबल होती है, किसमें, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। Now we move to the coordination number 5. Coordination number 5, that means center metal is surrounded by the 5 ligand. Same way NiCN को whole 5, center metal is surrounded by 5 Cn. तो 5 Cn अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ डोनेट करेगा, निकल की तरफ को। बट ये रेयर केस होता है coordination number 5 का। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ये आपने पढ़ा रखा है BSCPRT थ्योरी में या हाइब्रिडेशन में कह सकते हो। तो सेंटर मेटल इज सराउंडेड बाय 5 लिगेंड, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इस तरह की ज्योमेट्री होती है। इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। आगे मूव करेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो देखते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पर एक्सप्लेनेशन है ज्यादातर आपके सिलेबस में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी मूव द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो Fe(H2O) का होल 6 2+, सेंटर मेटल आयरन इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल, निकल इज सराउंडेड बाय द 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, एंड आयरन इज सराउंडेड बाय द 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स, एंड ईच मॉलिक्यूल इज डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंटर मेटल साइड। यानी कि H2 अपने इलेक्ट्रॉन को आयरन को डोनेट करेगा, अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन को निकल की तरफ को डोनेट करेगा, और साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन को आयरन की तरफ को डोनेट करेगा। दिस ऑल टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल जिसकी ज्योमेट्री हम कैसे दिखाते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को, हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, कि सेंटर मेटल है आपका, अगर आपको हाइब्रिडेशन की थ्योरी बेसिक फर्स्ट ईयर की याद है तो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से प्रेजेंट होती है, 3D स्ट्रक्चर
इसका ऑक्टाइडल ज्योमेट्री का इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाइडल ज्योमेट्री, ये हमारे ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है वो जो हमने आपको दिखा रखी है। या रेयर केस होता है थ्री बाइलेटेड लिगेंड सच एज द ट्राइथायराइड्स और ऑक्सीलेट। कभी कभी कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनको हम मैंने आपको बताया थे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स हमारे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है सेंट्रल आर्टरी सराउंडेड बाय द बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड, उसके बेसिस पर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है। लाइक दैट भी हम एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, एन आई ई एन का होल ट्वाइस, ओके, एन आई ई एन का होल ट्वाइस। और दूसरा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं, एन आई ई एन का होल ट्वाइस सी एन टू, माइनस टू हो गया, प्लस टू हो गया और ये हो गया प्लस टू, ओके। तो आप इसका कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, बट ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, सेंटर मैट्रिक्स सराउंडेड बाय दोस टाइप ऑफ लिगेंड एंड व्हिच कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू ओवर द सेंटर मैट्रिक्स है। लिगेंड का जुड़ना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं करता, लिगेंड को, लिगेंड अपने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो उस पर डिफाइन करता है। जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एन आई ई एन, ई एन क्या है, आपको लिगेंड आपको याद करने पड़ेंगे लिगेंड्स। मैंने आपको इससे पहले वाली पार्ट टू में बताया था कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो दिस इज द बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड का फॉर्मूला क्या है, इथाइलिन डायमीन एन एच टू और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को निकल के तरफ डोनेट करेंगे। एंड सेम यही प्रोसीजर यहाँ फॉलो होगा, यानी कि एन एस टू अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सेम वे एन एस टू अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये हो गया आपका सी एस टू एंड सी एस टू, इस तरह से। तो इसमें यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा टू, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है टू, तो डोनर साइड कितनी हो गई आपकी, डोनर साइड आपकी फोर है, वन टू थ्री फोर, टोटल बैठे डोनर साइड कितनी होगी फोर, सेंटर बैठे फोर डोनर साइड से जुड़ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू नहीं होगा, कितना होगा फोर होगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो तो आप यह रखिए कि हमें बाइडेंटेड लिगेंड को अपने दिमाग में सेट रखना है, ट्राइडेंटेड लिगेंड को अपने दिमाग में सेट रखना है। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो बाइडेंटेड लिगेंड में क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड है तो दो डोनर साइड होगा, तो टू टू या फोर जितने जो दिया उसका मल्टीपल हो जाएगा। अगर यही पर ई एन की जगह ओ एक्स दिया था, ओ एक्स का होल ट्वाइस, ओ एक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये भी दोनों साइड होगा, टू टू जाओ कितना हो गया फोर, और ये जाएगा इसका कंडीशन नंबर फोर। अब इसकी बात करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे तो इसका कंडीशन नंबर कितना होगा, तो इसको देखने के लिए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एन आई सेंटर, ये तो एन आई का सेंटर मटेरियल है, आपका एन आई सेंटर मटेरियल है, ई एन का होल प्राइस यानी कि टू टू जा कितना हो गया फोर, और टू क्लोरीन हो गया, फोर और टू कितना हो गया टोटल मिला के सिक्स, तो कॉन्डेंसर नंबर इसका कितना हो गया सिक्स हो गया। तो कैसे कुछ बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड, जैसे अब ई डी टी हमारा हेक्सीडेंटेड लिगेंड भी होता है और टेट्राडेंटेड लिगेंड भी होता है। अगर हम इसको ई डी टी एफ को अगर हम लिगेंड की तरह लेते हैं तो हमारा डिपेंड करता है ई डी टी ए माइनस फोर दे रखा है और होल ट्वाइस देता है, तो होल ट्वाइस का मतलब ई डी टी ए टेट्राडेंटेड लिगेंड है, अगर तो दिख रहा है टेट्राडेंटेड लिगेंड, तो फोर टू जा एट, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा एट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका एट। अब मैंने यही पहले बात करके ट्राइगोनल मैंने यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में, अगर बाइडेंटेड लिगेंड सच एज द ट्राइथायराइड्स और ऑक्सीलेट, यही मैंने बोला ट्राई ऑक्सीलेट होगा तो ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल पैरामेस्टिक हो जाएगी, बट उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर सेवन, जनरली शोन बाय द रेयर अर्थ एलिमेंट, ये मोस्टली रेयर अर्थ एलिमेंट में दिखता है, देख सेंटर मटेरियल आपको दिख ही रहा है, एंड बी निबोडियम है आपका, इसमें सेंटर मटेरियल निबोडियम में दिख रहा है, दिखेगा आपका ये ज्योमेट्री, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रॉन होता है और यह कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म होता है या पेंटागोनल बाइपिरामिड होता है, बट ये बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे जो कॉमनली यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, थ्री डी स्ट्रक्चर बच्चे कॉपी में ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका रेयर केस हो गया, आपका अनकॉमन स्ट्रक्चर है। नाउ वी मूव द कोऑर्डिनेशन नंबर एट, जनरली शोन बाय द रेयर अर्थ एलिमेंट, ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट जिनका सेंटर मेटल में ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ग्रेटर टेंडेंसी होगी, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर एट आपका दिखाएगा, फॉर एट इक्विवेलेंट लिगेंड होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा डोडी डेक्टेट रॉन या क्यूबिक स्ट्रक्चर शो होता है, ठीक है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन स्ट्रक्चर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर नाइन वेरी रेयर है, कई जगह कई बार दिख जाता है, थ्री फेज सेंट्रल ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, थ्री डी स्ट्रक्चर दिखता है, बट क्योंकि मेरे को सिलेबस को पूरा कवर करना था
तो लेकिन याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 आपके सिलेबस में स्पेशली बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट में, जब आप हायर क्लास में जाएंगे इनऑर्गेनिक स्पेशल है जिसे लेंगे तो आपको इन स्ट्रक्चर के बारे में सीखना पड़ेगा। नाउ वी मूव द कोऑर्डिनेशन नंबर 10 जनरली शोन बाय द रेयर अर्थ एलिमेंट। तो आप देख रहे हो कि 6 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट हायर कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करते हैं। बाइकैप्ट स्क्वायर एंटी प्रिज्म स्ट्रक्चर शो होता है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 11 वेरी रेयर, जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन में बढ़ते जा रहा है वेरी रेयर स्ट्रक्चर हो रहा है। और फिक्स्ड कैप ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। एंड सेम वे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 जनरली शो बाय द रेयर अर्थ एलिमेंट, ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट शो करते हैं जिसका स्ट्रक्चर लोकोसेडरल स्ट्रक्चर शो होता है, जो आपका दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बट हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 की तरफ को फोकस करना है क्योंकि ये जो वीडियो है बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, और बीएससी सेकंड ईयर में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6 तक ही आपका आपका सिलेबस में है इन योर सिलेबस। देन नाउ वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर एयर। मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, सेंटर मेटल से को जितने भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके बेसिस पे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। आगे मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे किसी को एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल आज मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के बाद एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्राइज द सेंटर मेटल एटम और आयन अटैच टू इट, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंक्लोज इन प्रेजेंस। तो हमने कहा, हमने अभी आपके सामने एग्जाम्पल्स लिए थे कोई भी, तो आप जैसे हमने लिया Fe Cn6 4-, तो ये आपका क्लियर है कि ये सेंटर मटेरियल है और ये आपके लिगेंड है, तो इसको कोऑर्डिनेशन, इस वाले एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। आज आपको मैंने जो सिखाया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया आपका 6 है, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हुआ, द कोऑर्डिनेशन सेंटर मटेरियल सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड एंड आयन एंड अरेंज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये पूरा मटेरियल एक स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज है, आपने देखा जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया आपको सारे के सारे देखो स्क्वायर ब्रैकेट में थे, सबके सब एग्जाम्पल्स आपके स्क्वायर ब्रैकेट में थे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में था, ये स्क्वायर ब्रैकेट में था, स्क्वायर ब्रैकेट में थे, सब सब स्क्वायर ब्रैकेट में थे। तो दैट मीन सेंटर मटेरियल लिगेंड को जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके रख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप कह रहे हो तो सभी तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुए, आप ध्यान से देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं K4 Fe Cn6, ठीक है 2-, अगर हमने ये एग्जांपल लेके चला K4 Fe Cn6 या K3 Fe Cn6, आप लेके चलेंगे K3 Fe Cn6 का एग्जांपल लेके चलेंगे। अगर ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं आप, ये हो गया आपका K3 Fe Cn6 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है इसमें इतना वाला पोर्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, सो दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर है सेंटर मटेरियल और लिगेंड जो ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किए जाते हैं बिग ब्रैकेट में, इंक्लोज इन ए ब्रैकेट, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आपको चार चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्लियर हो गई कि दिस इज द सेंटर मटेरियल, दिस इज द लिगेंड एंड अरेंज इन ए ब्रैकेट, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड द नंबर ऑफ लिगेंड कैन व्हिच कैन बी डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर मटेरियल साइड, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। उसके बाद होता है काउंटर आयन, उसके बाद हम कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन हम किसे कहेंगे केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, द आयन एक्सक्लूडिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कॉल्ड द काउंटर आयन। कोई अब मैंने आपको बोला ना ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, तो ये जो बच गया ये आयन, सो दिस इज नोन एज द काउंटर आयन, इसे हम क्या कहेंगे काउंटर आयन। जैसे कि हमारा K4 Fe Cn6 है, तो ये आपको आयन दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर, अगर इसको मैं आयनाइज करती हूँ तो ये आयनाइज होता है 4K+ एंड Fe Cn6, ठीक है मान लो, ठीक है 4K+ K4+ और Fe Cn6, तो आपका ये जो है ये आयन जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानते हैं, द कॉम्प्लेक्स K+ इज द काउंटर आयन। इसमें K+ क्या होगा हमारा, किस नाम से जाना जाएगा, काउंटर आयन के नाम से जाना जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल आप ऐसा भी नहीं है कि फ्रंट वाली काउंटर आयन रहते होते हैं, सपोज कोई आपका कोई फॉर्मूला है आपका, आपको दे रखा हमने Cu(NH3) का होल ट्वाइस, ठीक है आपका ये क्वेश्चन है, तो आपका दिस इज द सेंटर मेटल, ये आपका क्लियर हो गया, दिस इज द बोथ आर द लिगेंड, अमोनिया भी लिगेंड और क्लोरीन भी लिगेंड है, तो इसके लिगेंड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या कितनी हो गई, लिगेंड हो गए इसके कितने हो गए 4 हो गए। सेंटर मेटल क्या हो गया इसका, Cu हो गया, सेंटर मेटल क्या होगा, Cu होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया आपका 6,
कितना हो गया 4 2 8 2 8, टोटल मिला के कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और कॉर्डिनेशन स्पेयर क्या हो गया इसका, कॉर्डिनेशन स्पेयर ये पूरा पोर्शन का क्या हो गया, कॉर्डिनेशन स्पेयर हो गया। अब ये जो मटेरियल बच गया ब्रैकेट से पहले या ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ब्रैकेट से पहले या ब्रैकेट के बाहर जो मटेरियल बचा ये क्या बचा है, सीएल माइनस। तो सीएल माइनस इसका काउंटर है, यहाँ सीएल माइनस क्या हो जाएगा आपका काउंटर आयन के नाम से जाएगा। तो सीएल माइनस इसका क्या है आपका काउंटर आयन, यानी कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल होता है उसे किस नाम से जानते हैं, काउंटर आयन के नाम से जानते हैं। तो आज हमने आपको पढ़ाया कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन और नंबर ऑफ लिगेंड। एक बार मैं नंबर ऑफ लिगेंड को अगर ऐसी भी एक एग्जांपल ले सकते देखे चलती सी यू एन का होल थ्राइस, ठीक है, सी एन ऐसे दे रखा है आपको। तो अगर इसको लेके चलेंगे तो एक बार मैं इसमें भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसमें सेंटर मेटल क्या है, सेंटर मेटल तो कॉपर हो गया, इसमें लिगेंड क्या है ई एन है, ठीक है, कितने लिगेंड है टोटल मिला के कितने हो गए 6, ई एन आपका बाइलेटरल लिगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, लिगेंड तो 3 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, 6 इसलिए हो गया क्योंकि दो डोनर साइड होगी, बाइडेंटेट लिगेंड, नाम ही उनका बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट मतलब डेंटेट का मतलब इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डेंटेट का मतलब होता है डोनर साइड, जितनी डोनेट साइड होगी, तो डोनर साइड कितनी हो गई 3 2 6 हो गई, ठीक है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये बाहर का आयन हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका टोटल मिलाकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा आपका काउंटर आयन कहलाएगा, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया आपका, ठीक है। याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है, ब्रैकेट के अंदर ही जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ब्रैकेट के बाहर जो होता है हमारा केमिस्ट्री में वो क्या होता है काउंटर आयन के नाम से जाना, काउंटर आयन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये था आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये आपको ये बेसिक छोटी छोटी चीजें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि एग्जाम में लिखने को आती है और आप लोग फाइंड ही नहीं कर पाते कि किसे काउंटर आयन कहेंगे, किसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, किसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। जब आप ये करेंगे तो उसके बाद आप आईयूपीएसी नेम सीखेंगे, इसके बाद कि हाउ वी फाइंड आउट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।